हिंदी के अलावा तीन गुजराती फिल्मों में मैंने काम किया है। एक थी अखंड सौभाग्यवती जिसने मुझे स्टेट अवार्ड मिला था एज द बेस्ट एक्ट्रेस। शी वॉज ऑल्सो ए वेरी ब्यूटिफुल कथक डांसर और उनका एक बैले भी करती थी। कथक हो चाहे भरतनाट्यम या फिर वेस्टर्न पॉप म्यूजिक, आशा पारेख ने हर रूप में अपनी छाप छोड़ी। व्यवहार कुशल आशा पारेख 1994 में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनाई गई। वो फिल्म सिटी के डायरेक्टर भी रहे हैं। इतना ही नहीं, आशा पारेख जी को फिल्म सेंसर बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनने का गौरव भी प्राप्त है। बुरे शब्द नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, इसलिए मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट रही हूँ और कुछ लोगों को ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी और कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। तकरीबन 4 दशक तक बड़े पर्दे पर अपना परचम लहराने के बाद भी आशा पारेख जी ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति की गाड़ी को थमने नहीं दिया। डायरेक्शन का शौक तो बहुत था ही पहले से, और सबसे पहले गुजराती सीरियल ज्योति बनाई मैंने। जीवन में कई सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ आशा जी सामाजिक कार्य से सदा जुड़ी गई हैं। जब महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ आई थी उस समय आशा पारेख जी ने बाढ़ पीड़ितों के सहायता को काफी अनुदान दिया। The Dada Saheb Phalke Award. It makes me very grateful that the recognition comes to me just one day before my 80th birthday. This is the best honor I could get from the Government of India. I would like to thank the jury for the recognition that they have bestowed upon me, my long journey and fulfilling the journey in the film industry. I have been in this industry for the last 60 years and still continue to be attached to the industry in my own small way. Our film industry is the best place to be in, and I would like to suggest to the youngsters who are in this industry to have perseverance, determination, discipline, and be grounded. And I congratulate all the awardees tonight.
थैंक यू वेरी मच।